जितेंद्र का एक नाम जैम्पिंग जैंक भी है। 60 से 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले जितेंद्र की चर्चाएं उनके अनोखे पहनावे के लिए तो होती ही है। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे इकलौते अभिनेता है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रिमेक फिल्मों में काम किया। लगभग 200 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले जितेंद्र 121 हिट फिल्म हिंदी सिनेमा को दिया है। दर्शकों को जया प्रदाश, श्रीदेवी, रीना रॉय, नीतीश सिंह, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और रेखा के साथ जितेंद्र की जोड़ी बहुत पसंद आती थी, इसलिए जितेंद्र ने सबसे ज्यादा फिल्में इन अभिनेत्रियों के साथ ही की है। आज इस वीडियो में जानेंगे जितेंद्र के 10 ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में, या यूं कह लीजिए सुपर डुपर फिल्म के बारे में जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया। तो फिर देर क्या, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिल्म फर्ज। ये फिल्म 1967 में आए थे। इस फिल्म में जितेंद्र गोपाल किशन पांडे का किरदार निभाया था। ये फिल्म रविकांत नागयाज के निर्देशन में बनी। इस फिल्म में जितेंद्र ने एक जासूस का किरदार निभाया था। OCID के एक सीक्रेट एजेंट 116 होते हैं जिसका नाम गोपाल है। गोपाल अपने सीनियर एजेंट से मिले हर मिशन को पूरी मेहनत और लगन से पूरा करने की कोशिश करता है। हालांकि इसी बीच उसे कुछ गलतियां भी होती है जिनसे वो मुसीबत में पड़ जाता है। इस फिल्म का किरदार हॉलीवुड के जेम्स वॉन्ड से बहुत ज़्यादा प्रेरित था। इसमें जितेंद्र के साथ बबीता मुख्य भूमिका में नजर आई थी। नंबर 2, फिल्म हम जूली। ये फिल्म 1970 में आया था। इस फिल्म में जितेंद्र राजेश का किरदार निभाया था। ये फिल्म की कहानी कुछ इस तरह थी। पैसे के लिए पागल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अभिनेता महमूद ने तेहरा किरदार निभाया। जितेंद्र डांस के लिए तो बहुत मशहूर थे। इस फिल्म में उन्होंने बैडमिंटन रैकेट के साथ बारिश में डांस किया है। दर्शकों को उनका यह काम बहुत पसंद आया। महमूद के साथ मिलकर जितेंद्र ने कॉमेडी भी बहुत अच्छा किया। TR रमन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र के साथ प्राण और लीना चंद्रवाड़कर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। वैसे महमूद अली कोई छोटा मोटा कॉमेडियन एक्टर नहीं था। महमूद अली नामी कॉमेडियन एक्टर था और वो लोगों को बड़े पर्दे पर हंसाने के लिए हीरो से ज़्यादा फीस चार्ज किया करते थे, आप समझ सकते हैं। नंबर 3, फिल्म परिचय। ये फिल्म 1972 में आया था। इसमें अभिनेता जितेंद्र रवि का किरदार निभाया था। राजकुमार मेहंत्रे के बंगाली उपन्यास रंगीन उत्तरायण पर आधारित इस फिल्म में जितेंद्र ने एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति रवि का किरदार निभाए है। रवि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अव्यवस्थित बच्चों को अनुशिक्षित कराने का भी काम करते थे, अच्छे से करता था। गुलजार के लिखे सवालों पर जितेंद्र के शानदार अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इसे ड्रामा फिल्म का निर्देशन भी गुलजार ने ही किया और इसके मुख्य भूमिका में कलाकार जितेंद्र और जया बहादुरी जितेंद्र के साथ मुख्य भूमिका में लीड रोल में जया बहादुरी नजर आई थी। नंबर 4, फिल्म खुशबू। ये फिल्म 1975 में आया था। इस फिल्म में जितेंद्र किरदार डॉक्टर वृंदावन का निभाए थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे बंगाली उपन्यास पंडितम साई पर आधारित यह फिल्म ड्रामा फिल्म था। बताया जाता है वृंदावन के किरदार में जितेंद्र ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। उसकी शादी बचपन में ही कुसुम यानी हेमा मालिनी से हो जाती है, लेकिन वृंदावन के पिता इस शादी को स्वीकार नहीं करते हैं। हार कर इन दोनों को अलग होना पड़ता है। जितेंद्र की यह ड्रामा फिल्म बहुत ही भावुक कर देने वाली है। इसके स्वाद और पटकथा गुलजार साहब ने लिखे थे, साथ ही गुलजार साहब ने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जितेंद्र, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, आशा रानी,
और भी कई सारे अभिनेता और अभिनेत्री नजर आए थे। नंबर 5 फिल्म प्रियतमा, ये फिल्म 1977 में आया था। इस फिल्म में जितेंद्र रवि का किरदार निभाया था। इस फिल्म में जितेंद्र एक सच्चे प्रेमी बनकर नजर आए थे। रवि के किरदार में वह अपनी प्रेमिका डॉली यानी नीतू सिंह के साथ लेकर अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्की राकेश रोशन और उसके प्रेमिका रेनू आशा सज्जू के साथ मुंबई में रहते हैं। शादी करने के बाद उनके शुरुआती जीवन में बहुत सी परेशानी आती है। हालांकि ये दोनों उन सभी परेशानियों का अपने अनुभव के साथ डटकर सामना करते हैं। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस फिल्म में जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन, आशा सचदेव आदि कई सारे अभिनेता अभिनेत्री नजर आए थे। नंबर 6 फिल्म धर्मवीर, ये फिल्म 1977 में आया था। इस फिल्म में जितेंद्र वीर सिंह का किरदार निभाए थे। बताया जाता है मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र एक भरोसेमंद दोस्त की भूमिका में नजर आए थे। वीर सिंह के किरदार में जितेंद्र अपने दोस्त यानी धर्मेंद्र को सब चीज़ों को वापस पाने में मदद करता है जो उसके कभी बचपन में खो गई थी। फिल्म में धर्मवीर की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि लोग उसे दोस्ती की मिसाल देते हैं। राजचंद्र को केंद्र में रखकर बनाई गई इस फिल्म में जितेंद्र, धर्मेंद्र, जिन्नत, अमान, नीतू सिंह, प्राण और कई सारे अभिनेता अभिनेत्री लीड रोल में नजर आए थे। नंबर 7 फिल्म जस्टिस चौधरी, ये फिल्म 1983 में आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र आर के चौधरी का किरदार निभाया था। सच्चाई की मूर्ति समझे जाने वाले वकील आर के चौधरी के किरदार में जितेंद्र एक ऐसे हत्या के मुकदमे को अपने हाथ में लेते हैं जो एक गैंग स्टार शंकर सिंह यानी शक्ति कपूर विलेन का किरदार इसमें निभाए थे। शंकर सिंह का गैंग स्टार शंकर सिंह के खिलाफ होता है। आर के चौधरी केस तो जीत जाते हैं लेकिन शंकर सिंह का भाई जय सिंह यानी शक्ति कपूर का इस फिल्म में डबल रोल भी था, अपने भाई को मौत का बदला लेने का प्रण लेता है। जितेंद्र ने भी इस फिल्म में दोहरा किरदार निभाया है। आर के चौधरी के बाद वो अपने बेटे रामू के रूप में नजर आते हैं। बताया जाता है राघवेंद्र राव के निर्देशन में बने इस फिल्म में जितेंद्र के साथ श्रीदेवी, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी और कई सारे अभिनेता अभिनेत्री नजर आए थे। नंबर 8 फिल्म तोहफा, ये फिल्म 1984 में आई थी। इस फिल्म में जितेंद्र राम बाबू का किरदार निभाया था। हिंदी सिनेमा की वैसे तो यह महिला प्रधान फिल्म है, हालांकि इसमें जितेंद्र का भी बहुत अच्छा किरदार है। जानकी यानी जयापर्दा और श्रीदेवी ने ललिता का किरदार निभाई थी। दो बहनें हैं जो एक दूसरे से बहुत लगाव रखती है। हालांकि यह दोनों ही राम यानी जितेंद्र से बहुत प्यार करती थी। जब ललिता को पता चलता है कि जानकी राम से प्यार करती है तो ललिता अपने कदम पीछे खींच लेती है और अपनी बहन की शादी राम से करवा ही देती है। एक मशाल फिल्म है जिनका निर्देशन राघवेंद्र राव ने किया है। नंबर 9 फिल्म हैसियत, ये फिल्म 1984 में आया था। इस फिल्म में जितेंद्र राम का किरदार निभाए थे। राम के रूप में जितेंद्र इस फिल्म में एक फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से मेहनती ईमानदार कर्मचारी के रूप में नजर आए थे। वो इस फैक्ट्री की यूनियन के लीडर भी है जो अपने सभी कर्मचारियों को भला चाहते हैं। हालांकि इस फैक्ट्री का मैनेजर रवि यानी शक्ति कपूर उसकी राह में हमेशा रोरा अटकाता रहता है। धीरे धीरे राम को इस कंपनी की नई मालिक सीता यानी जयाप्रदा से प्यार हो जाता है। फिर कहानी इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। दूसरी नारायण राव के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र, जयाप्रदा, कादर खान, शक्ति कपूर, प्राण आदि मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नंबर 10 फिल्म आदमी खिलौना है, ये फिल्म 1993 में आया था। इस फिल्म में भी जितेंद्र विजय वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म की शुरुआती में एक वर्मा परिवार होता है जिसमें 4 सदस्य विजय वर्मा जो जितेंद्र विजय वर्मा का किरदार निभाए थे।
इस घर के बड़े हैं जो काम करते हैं और इस फिल्म और इस परिवार का भरण पोषण करते हैं। विजय का छोटा भाई शरद यानी गोविंदा कॉलेज में पढ़ा करता है और पूनम यानी मीनाक्षी से सादरी से बहुत प्यार करता है। यह एक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो कि भाई के प्रति भाई की भावनाओं को उजागर करता है। बड़े भाई के रूप में जितेंद्र ने शानदार अभिनय किया है। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में कलाकार जितेंद्र, गोविंदा, मीनाक्षी सुसादरी, रीना नाय आदि। खैर ये वो 10 फिल्में हैं जो अभिनेता जितेंद्र की सुपरहिट फिल्मों में शुमार है। खैर आपको इन 10 फिल्मों में अभिनेता जितेंद्र का यानी जंपिंग जैंग का कौन फिल्म लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।